सर, जितनी चर्चा चुनाव को लेकर है उतनी ही अभी चुनाव प्रचार पर बहस छिड़ गई है। उनका ये कहना है कि कोविड की इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब रैली नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कम करेंगे, लेकिन बीजेपी कर रही है, अमित शाह आज भी लगे हुए हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, सबसे पहले राहुल जी ने सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी कितनी रैली लगी थी जो उन्होंने कैंसिल करी। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय करेगी, परंतु चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं, चुनाव आयोग कराता है। और दूसरा, चुनाव आयोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान में वैक्यूम की कोई स्थिति का प्रोविजन ही नहीं। जब किसी भी विधानमंडल या संसद की समय सीमा समाप्त होती है, उसके पहले दूसरा विधानमंडल चुनना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज मीटिंग रखी है, हम लोग कुछ निर्णय करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। तो आप लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं कि अब प्रचार को रोकना बेहतर होगा? देखिए, पार्टी इस पर विचार कर रही है, आज मीटिंग भी रखी। सर, ये तीनों के बाकी के फेस को एक साथ कर लें, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रचार का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते, और हमारे संविधान ने प्रचार के लिए निश्चित दिन किए हुए कि मिनिमम इतने दिन प्रचार के लिए मिलने चाहिए। एक नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कहते रहो वो अलग बात है, परंतु संवैधानिक रूप से क्या है वो पहले देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने शुरू से जिस तरह से अभी प्रचार चल रहा है, अब उन्होंने कहा है कि आप सबसे ज्यादा टारगेट पे आप रहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस कूच बिहार के मुद्दे पर, वहां से जो उनका ऑडियो टेप बाहर आया उस पर मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप पे दम है कि गृह मंत्री उनका फोन टेप करा रहे हैं, ये उनका आरोप है सर? इनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी सरकार है, वो जांच कर ले, अगर वो असमर्थ है तो हमें दे दे, हम जांच कर कहेंगे किसने टेप करा है। आप जांच करने को तैयार हैं कि किसने उनका टेप लीक किया है? बिल्कुल तैयार है, वो हमें लीक कर दे दे, हम सीबीआई से जांच करवा लेंगे, तुरंत बाहर आ जाएगा किसने करा है। सीबीआई तो वो कहती है सर सरकार का तोता है, तो वो खुद करा ले, और आरोप करने की जगह तथ्य जनता के सामने रखे। सवाल टेप किसने करा है वो भी महत्वपूर्ण है, मगर इससे महत्वपूर्ण सवाल है कि वो क्या बोली। अगर आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको अंतिम संस्कार मत करना, मैं ट्रक में रखकर जुलूस निकालना चाहती हूँ, मैं मानता हूँ ये राजनीति इतनी ओछी राजनीति भारत में मैंने कभी नहीं। 5 लोगों की मौत की जांच, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, उन्होंने आनंद बर्मन और वो जो 4 वहां मर, उन्होंने 5 लोगों की जांच ऑर्डर ही नहीं की है, 4 लोगों की ही करी है। हमारी डिमांड है 5वे की भी जांच करो, सिर्फ आपकी वोट बैंक की क्यों चिंता करी? तो आनंद बर्मन की जांच के लिए कोई पहल आप करेंगे क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी लोगों की भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, सबकी जांच होगी, और ये न्यूट्रल जांच के आधार पर जो कोई भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्यवाही। सर, बीजेपी को वो ऑडियो टेप मिला कैसे फिर, वो कहां से आप लोगों को मिला सर? बीजेपी को नहीं मिला है तो कब का वायरल हो चुका था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि पार्टी के नेता और आपके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया, तो परखा कैसे उसको, क्या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद परखा? नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे पहले ये वायरल हो चुका, और वहीं से उठा के फिर पार्टी ने इसको ट्वीट किया, स्वाभाविक है। उनका कहना है कि नरसंहार कराया है गृह मंत्री ने केंद्रीय बलों के जरिए, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, वो कुछ भी कहे, 6 दिन पहले उन्होंने ही वहाँ भाषण किया था कि सीआरपीएफ को घेर लो, उनके हथियार छीन लो, अगर शायद वो भाषण न करती तो ऐसी नौबत ना आती। ममता बनर्जी जिस तरह की यहाँ पर जय श्री राम का नारा, जो कि आपने बंगाल में बड़े पैमाने पर हर जगह इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले वो जय बांग्ला लाती हैं। वो कहती है कि ये तो ढोकला आप खाओ, रोशोगुल्ला मैं ही खाऊंगी, मतलब
जो बांग्ला अस्तित्व का मुद्दा है उसको वो रेस कर रही है, तो इसको कैसे लिंक करेंगे आप और क्या जवाब होगा इसमें? बंगाल की जनता लिंक कर चुकी है। जय श्री राम का नारा यहाँ की अव्यवस्था के खिलाफ रोष का प्रतीक, यहाँ राजनीतिक हिंसा के खिलाफ रोष का प्रतीक, यहाँ गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ रोष का प्रतीक, यहाँ होने वाली घुसपैठ के खिलाफ रोष का प्रतीक, यहाँ पर सीएए को रोकने का जो ममता ने ऐलान करा है इसके कारण शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलती है, इसके प्रति रोष का प्रतीक है, और यहाँ पर जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है इसके खिलाफ रोष का प्रतीक है। 2 मई आ जाने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जय श्री राम को आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बंगाल में इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग मानते थे कि यहाँ पर काली माँ की पूजा होती है, यहाँ पर जय बांग्ला बोला जाता है, और हम ये यूपी बिहार और नॉर्दर्न इंडिया का ज्यादा माना जाता था, उसकी स्वीकार्यता के बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों, कैसे थे और क्यों थे? देखिए, जो बंगाल को नहीं जानते हैं वो ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ सैकड़ों सालों से वैष्णव परंपरा बहुत प्रमुख रही है, ये चैतन्य महाप्रभु का बंगाल है, यहाँ पर वैष्णव परंपरा के लिए कभी छुआछूत नहीं रही। लेकिन ढोकला और रसगुल्ला वाले बात पर आपका क्या जवाब होगा कि आप लोग बाहरी लोग हैं, आप तो कोविड लेकर आ रहे हैं? आप, मुझे लगता है इसका जवाब बंगाल की जनता को ही देना। आपको लग रहा है कि 200 सीटें आएंगी, आपने 122 अभी से ही दे दी है सर, 180 जो वोटिंग हुई है 122। ममता दी कहती है कि इनको सब पता होता है, ईवीएम इनके कंट्रोल में। चलिए, यही ईवीएम से वो 2011 और 2016 में जीती, उस वक्त तो शपथ ले ली उन्होंने, जब अब हार रहे हो तो मुझे लगता है ईवीएम को दोष नहीं देना। सर, मुस्लिम तुष्टिकरण के सवाल पर हमेशा आपने घेरा है उनको, लेकिन फिर ये तमाम पार्टियां कहती हैं कि आप मेजोरिटी अपीजमेंट करते हो, आप जो बहुसंख्यक है उसका तुष्टिकरण करके आप जीतना चाहते हो। हमने कोई तुष्टिकरण, मोदी जी ने गैस के सिलेंडर दिए, जो माइनॉरिटी के लोगों को मिलना था उनको मिला ही, हमने घर दिए गरीबों को तो माइनॉरिटी वालों को मिला ही, हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए तो माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों को मिला है, किसान को 6000 रुपया मिलता है तो माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों किसान, हमने तो कभी कोई अपीसमेंट नहीं किया। मगर जब आप माइनॉरिटी का अपीसमेंट करते हो तो मेजोरिटी ऑटोमेटिकली अलग थलग होती है। आज बंगाल में बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से प्रचार आगे ले जा रही है उसमें उनका एक देखिए चंडी पाठ पड़ती है, आप मंदिर 19-20 मंदिर भी गई है, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है, एक कोर्स करेक्शन, क्या आपको लगता है उससे फायदा होगा उनको और आपको नुकसान? नहीं, अच्छा ही किया, आगे पर उनके काम में भी आएगा, मगर इस बार लेट हो गया। इस बार लेट हो गया है, नंदीग्राम में भी तो हुआ नहीं, नंदीग्राम में ही सर पहली बार उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा। अच्छी बात है, चंडी पाठ पढ़ा है उन्होंने, परंतु लेट हो गया सर। नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी के मुद्दे पर आते हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, अन्य नेता हो, मुकुल रॉय हो, ये आरोप लगता है कि आप सबको अपनी पार्टी में लाकर गंगा स्नान करा देते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का नारदा शारदा कई आरोप भी लगे हो सर, उन सबका गंगा स्नान करा देते हैं। देखिए, हमने चुनाव के पहले इन लोगों को छोड़ा है और वो पार्टी छोड़कर हमारी आइडियोलॉजी और हमारी कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति तीनों को स्वीकार कर हमारी पार्टी में आए, बंगाल की जनता को तय करने दीजिए। और दूसरी बात, हमारी पार्टी में आने के बाद हमने किसी के केस विड्रॉ नहीं करे, वो केस अदालत में ही पड़े हैं और अदालत को निर्णय करना है उसमें। सर, आपने कुल मिलाकर अभी तक बंगाल में कितनी रैलियां कर ली हैं, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2 साल से आप सक्रिय हैं, इस बार में ही 70-80 के आसपास हो गए? मैं तो 2016 से बंगाल में आता हूं और मुझे लगता है कि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बंगाल अमित शाह जी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको इस पर लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि इतना सक्रिय हम लोगों ने बिहार में आपको नहीं देखा था सर इस बार चुनाव में, लेकिन इस बार बंगाल में आपने एकदम डेरा है। मैं हर बार चुनाव में एक्टिव होता हूं, बिहार में मैं बीमार था, परंतु बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे लगता है पूरे देश ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहे, गौ तस्करी हो रहे,
शस्त्रों की तस्करी हो रही, नारकोटिक्स की तस्करी हो रही, ये बहुत गंभीर समस्या है। बंगाल नॉर्थ ईस्ट का भी एंट्री है, 7 देशों की सीमाएं नॉर्थ ईस्ट और बंगाल को छूती है, और बंगाल में जो दारुण गरीबी है, भयंकर बेरोजगारी है, महिलाओं की असुरक्षा है और राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर। मैं मानता हूं बंगाल के अंदर परिवर्तन जितना जरूरी है शायद ही किसी राज्य में हो। सर, आपने घुसपैठ को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, CAA के जरिए आप शरणार्थियों को सिटीजनशिप देंगे, ये आपने कहा है कैबिनेट का पहला फैसला होगा, लेकिन घुसपैठ को कैसे रोकेंगे सर, उसकी तो कोई स्टडी, ये तो सिटीजनशिप देने का कानून है ना। देखिए, हमने आसाम में रोक कर बताया है, घुसपैठ सीट BSF से नहीं रुकता है, क्योंकि बॉर्डर बहुत जियोग्राफिकली कठिन स्थिति वाली बॉर्डर है, यहाँ नदी नाले हैं, पहाड़ है, जंगल है, बहुत सारी जगह पे फेंसिंग भी नहीं हो पाई, इस प्रकार की स्थिति है। जब तक BSF, जिला कलेक्टर और जिला SP तीनों मिलकर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक इको सिस्टम नहीं बनाते हैं, तब तक घुसपैठ सार्थक तरीके से रोकी नहीं जा सकती। BSF अपना काम कर रही है, मगर स्टेट का जो इको सिस्टम है वो घुसपैठ कराने में अगर लग जाता है तो मैं मानता हूँ घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। घुसपैठ होने के बाद कौन कहाँ ठहरता है वो भी तो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आसाम की तर्ज पर हम एक ऐसा इको सिस्टम बनाएंगे जो घुसपैठ को काफी मात्रा में कंट्रोल करे। सर, बतुआ समुदाय को आपने बहुत अच्छे तरीके से उस पूरे इश्यू को उठाया है, लेकिन उनका कहना है TMC का, और उस बात में दम है, वो कहते हैं कि शांतनु ठाकुर सांसद है ना BJP से, अगर वो सिटीजन नहीं है तो सांसद कैसे है, तो आप उनको सिटीजनशिप का जो लालच दे रहे हो उसमें क्या बात है? देखिए, ढेर सारे लोग हैं जो सिटीजन नहीं है, और अगर इतना ही है तो दीदी विरोध क्यों कर रही है? अगर सब सिटीजन है तो किसी को मिलना बनना ही नहीं, विरोध करने का क्या कारण है? नहीं बनेगा कोई। ठाकुर के परिवार से जो बहू है सर उनकी, उन्होंने कहा कि मतुआ तो आपने रिलीजन डाला ही नहीं है उसमें कानून में, आपने हिंदू डाला है, सिख्स डाला है, जो बाकी माइनॉरिटीज डाले हैं, आपने मतुआ को अलग से नहीं डाला है, हम हिंदू नहीं है, हम तो सनातनी है। देखिए, जो संविधान ने व्याख्या करी है वो व्याख्या के हिसाब से सभी लोग बन सकते हैं, सबको सनातनी भी बन सकते, उनको भी सिटीजनशिप मिलेगा। सर, अगला सवाल जरा मैं आती हूँ ये बड़ी पिक्चर पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव ने सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी कहते हैं इलेक्शन कमीशन आप कंट्रोल करते हैं, 8 फेसेस में चुनाव करना आपने कंट्रोल किया, सेंट्रल फोर्सेस बूथ पर उनके कार्यकर्ताओं को रोकता है, सेंट्रल फोर्सेस जो कूचबिहार का इंसिडेंट हुआ, तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ी है सेंटर वर्सेस, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस आपकी मुट्ठी में है, आप कठपुतली। ममता दीदी को मालूम नहीं है जब चुनाव होता है तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस MHA के मैंडेट पर नहीं चलते हैं, चुनाव आयोग के मैंडेट। वैसे तो वही आर्गुमेंट को एक्सटेंड करे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके पास है, SDM उनके पास है, स्टेट पुलिस इनके पास है, पर्ची बटने वाला पटवारी उनके पास है, चुनाव कराने वाले शिक्षक उनके पास है, क्या इस तरह से सोच होती है? लोकतंत्र में संविधान की स्कीम पर भरोसा रखना पड़ता है, जब जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा है, जब हारते हैं तो दुनिया बेगानी हो गई है, ये अप्रोच ठीक नहीं। 200 सीट के पार वो आपका अभी भी भरोसा बना हुआ है, 200 सीट के पार जाएंगे अभी भी भरोसा बना हुआ है? निश्चित रूप से हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार, मुख्यमंत्री वही बोलेंगे आप बंगाल पुत्र, या कुछ हिंट देंगे हमें कि कौन बन सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र। कोविड की परिस्थिति पर सर बतौर गृह मंत्री आप कैसे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो खबरें देश भर से आ रही हैं एक एक करके सब पे बात करेंगे, आपने ट्वीट भी किया है कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल कोविड की परिस्थिति पर क्या है आपके पास इनपुट अभी और क्या आप जानकारी दें? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के वायरस का अनुभव आया है जो बहुत तेजी से फैलता है, ICMR और बाकी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इसको कैसे कंट्रोल करें। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है,
थोड़ा एक दो दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है, रेलवे ने ट्रायल ले लिए हैं और मुझे भरोसा है कि दो दिन के अंदर ही ऑक्सीजन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से कुछ निर्णय किए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान और WHO ने जिनको परमिशन दी है वो वैक्सीन को भारत में अब ट्रायल की जरूरत नहीं, तो उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। दूसरा, स्पुतनिक को भी मंजूरी अब मिल गई है, ट्रायल के बाद परमिशन मिल गई है, उनकी भी बॉटलिंग अब जल्दी ही शुरू होगी। और जो एग्जिस्टिंग दो वैक्सीन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम हुआ है। हर राज्य सरकार और भारत सरकार भी तेजी से बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर वाले बेड की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार लगभग 25,000 वेंटिलेटर नए हर राज्यों को प्रोरेटा, जिसको जिसकी जरूरत है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, और देने जा रहा है। इसके सामने अभी लड़ने के लिए जब तक ये वायरस का प्रकार मालूम नहीं पड़ता और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हुई है वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही वायरस को भी अभी तो अप्लाई होती है, तो उसी के आधार पर हमने आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए जो इंजेक्शन है, दोनों इंजेक्शनों को हमने एक्सपोर्ट की परमिशन बैन कर दी, जिससे उपलब्धता भी बढ़ेगी और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। लेकिन क्या सर देरी हुई उसमें, क्योंकि 3 लाख तक केसेस, पिछली बार जब पहली लहर आई थी तो 1 लाख के आसपास केसेस थे। आप दिल्ली में थे, आप बहुत एक्टिव थे, आप दिल्ली की परिस्थिति को देख रहे थे। इस बार केसेस 3 लाख तक पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत, क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है मगर कमी नहीं, और अब ट्रेन की व्यवस्था होने के बाद इसको भी 1-2 दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक भी हो जाएगा। वैक्सीनेशन, महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है कि आपने भेदभाव किया है उनके साथ। गुजरात को उतने ही वैक्सीन 1.5 करोड़ दिए और उनको 1.6 करोड़। देखिए, वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र सरकार ने तो शुरू ही 3 दिन लेट करा, और जिस राज्य ने जितने कंज्यूम करे इसकी एवरेज के हिसाब से सप्लाई हो रहा है। मैं नहीं मानता किसी भी राज्य के साथ भेदभाव हुआ है, और महाराष्ट्र में भी जो बोल रहे हैं वो दूसरे तीसरे दर्जे के पत्र प्रवक्ता बोल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने ही बोल रही। और वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीन जरूरी मात्रा में उपलब्ध कराए गए। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन अगर कहीं पर हुआ है तो भारत में हुआ है, अमेरिका और इंग्लैंड से भी तेज वैक्सीनेशन हमने किया। हम उनसे पीछे थे, वैक्सीन हमारी आते आते थोड़ा समय ज्यादा लगा, परंतु वैक्सीन देने के दिन को गिने तो हम सबसे तेज वैक्सीन। सर, हॉस्पिटल बेड्स को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जगह सर लोग जयपुर जा रहे हैं बेड्स के लिए, अलग अलग शहरों में कहीं पर बुकिंग मिल जाए, क्या इसकी व्यवस्था में देरी हो गई पहले से, जो हमने पहली बार किया था। आप भी दिल्ली के अस्पतालों में घूम रहे थे, पहली बार जो हमने तैयारी की थी एक्स्ट्रा बेड्स लगाकर, उसमें कहीं पर थोड़ी कमी रह गई 3-4 दिन में। कमी कोई नहीं रही है, वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस, हमने चीजों का एनालिसिस कर लोगों के सामने रखना चाहिए, पैनिक हो इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वायरस तेजी से फैल रहा है, पहले वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था, इसी के कारण ऐसी भ्रांति हुई, मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। DRDO भी अभी एक अस्पताल बना रहा है, दूसरे
जगह पर भी भारत सरकार 2000 बेड इंगित करने जा रही है, जो दूसरे प्लांट ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की केओटिक सिचुएशन हो। कोविड से जुड़ा आखिरी सवाल रेमडेसिविर को लेकर, रेमडेसिविर की कमी की भी परेशानी पूरे देश में सामने आई, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसको मेडिकल एडवाइस से ही लेना चाहिए। मेरा सभी को अपील है कि जब तक आपका डॉक्टर इसको एडवाइस न करे आप मत लीजिए, इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है और किसी ने भेजा स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई अपने घर में रखे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है और एक्सपोर्ट बंद होने के बाद इसकी कोई कमी नहीं है। चलिए, अब हम उम्मीद करेंगे कि आप वापस एक्शन में, दिल्ली में जाने के बाद एक्शन में आ जाएंगे कोविड सिचुएशन पर। मैं एक्शन में ही हूँ। कम्युनिकेशन के इस जमाने में सुबह बड़े सवेरे से 4 घंटे बिल्कुल हर चीज का मैं ध्यान रखता हूँ और दिल्ली में भी 4 दिन रहता हूँ, 2 दिन यहाँ आता हूँ।